दिमाग ठीक है तेरा? ठीक है दिमाग? क्या किया ये? क्या किया? सॉरी भाई, रियली वेरी सॉरी। ये जो कुछ भी हुआ है हम लोगों ने जानबूझ के नहीं किया, ये गलती से हो गया, लेकिन अब जो भी तुम लोग बोलोगे ना मैं करने के लिए तैयार हूं। ये गलती हो गई, गलती हो गई। अरे रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की कोई चीज होती है कि नहीं होती है? एक्चुअली उस दिन हम लोग साथ में पार्टी कर रहे थे और हमने कब कितनी पी ली और नशे में ये क्या हो गया हमें पता ही नहीं चला। इनफैक्ट करण और रागिनी भी उस दिन हमारे साथ पार्टी में ही थे। अगर हम नशे में इतने धुत हो गए कि होश खो बैठे। अच्छा तुम अब इसे हॉस्पिटल लेके जाओ और दोबारा एक बार चेकअप करवा लो, जाओ। और सुन, हॉस्पिटल जा रहे ना तो डॉक्टर से अबॉर्शन की बात करके आई हो। ये बात बाहर आने से पहले ही सब कुछ सॉर्ट आउट करना होगा। जाओ अभी। आतिया मानो या ना मानो, इसके पीछे भी ना करण और रागिनी का ही हाथ है। आई एम श्योर उन्होंने जरूर उनके ड्रिंक में कुछ मिलाया होगा, तभी ये सब कुछ हुआ है। लेकिन ये बात बाहर नहीं आनी चाहिए। ये बात बाहर आए इससे पहले अबॉर्शन हो जाए। ये कोई छोटी बात नहीं है। तुम इतनी इजीली, इतने आराम से, कैजुअली अबॉर्शन की बात कैसे कर सकते हो? टी और पीके अब एडल्ट्स हैं, वो दोनों शादी करके इस बच्चे की देखभाल कर सकते हैं। और खाएंगे क्या? हवा? रहेंगे कहाँ पे? फुटपाथ पे? ना आद्या, पता तुम बोल क्या रही हो? ना उनके पास नौकरी है, ना कुछ काम है, ना घर है अपना कुछ। कहाँ रहेंगे, कहाँ पे वो कैसे पालेंगे? मैं पता नहीं, बस अभी ये डिसीजन बहुत बड़ा है, मुझे इसके लिए थोड़ा टाइम चाहिए। हाँ तुम ले लो ना, पूरा टाइम ले लो सोचने के लिए। फिर जब कुछ करण और रागिनी प्लानिंग कर देंगे, कुछ हो जाएगा, उसका रोती रहना। अभी टाइम ले लो। अच्छा तुम्हारा लॉजिक भी ना। हाँ माँ। आदू बेटा तू फटाफट घर आ जा, रूपा जी और अंकल जी आए हैं यहाँ। क्या? अच्छा अब टेंशन मत लो, मैं आती हूँ। क्या हुआ? अच्छा वो दादू और आंटी घर पे आए हुए, नहीं और क्या नया तमाशा होगा। मुझे जाना होगा, मैं आती हूँ। आप शांत हो जाइए, आप गुस्सा मत कीजिए, आपका बीपी बढ़ जाएगा। मैं बात करती हूँ, आदू भी अभी आने ही वाली है। मैं इन लोगों से बात करके आपसे आपको सब बताती हूँ, आप फोन रखिए। इनका फोन था, बहुत गुस्से में लग रहे थे, कह रहे थे कि आप लोग यूं अचानक घर खाली करने के लिए क्यों कह रहे हैं। हेलो प्रतिमा जी, ये ना आवर हाउस है, हम जब चाहे, जो चाहे, जिसे चाहे कुछ भी कह सकते हैं। और गुस्सा होने का कॉपीराइट सिर्फ आपके उनके पास नहीं है, एंगर हम भी हो सकते हैं। और रही टाइम की बात, दिए ना आपको 2 weeks, फाइंड आउट कर लो कोई नया घर। लेकिन अगर 2 weeks में ये घर एम्प्टी नहीं किया तो पुलिस की वैन में बिठाकर पूरे परिवार की इस गली से सवारी निकलवाऊंगी। रूपा जी, 2 हफ्तों में हम कैसे घर खाली कर सकते हैं?
कैसे मिलेगा दूसरा घर हमें इतनी जल्दी? यू नो हाउ आई नो अंकल जी। I'm sure ये करण और रागिनी में कोई फ्रॉड है। हमारे यहाँ पे कोई फ्रॉड करने आए, लेकिन क्या पर्पस है, किस लिए आए हैं, ये मुझे अभी तक नहीं पता। ये देखो, दिया की प्रेगनेंसी रिपोर्ट, ये बिल्कुल सही रिपोर्ट है। इसके बारे में सिर्फ मैं जानती हूँ, मैंने किसी को अभी तक बताया नहीं है। मोम और दादू तुम्हारे घर क्यों आए थे, क्या कहा उन्होंने? सब सब ठीक तो है ना? हाँ जाइए, हाँ सब सब ठीक है। अगर नहीं भी है ना तो सब ठीक हो जाएगा। नहीं आते, तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो, मुझे सच बताओ क्या हुआ है? वो अरे विहान, क्या हुआ, तू ठीक है ना? क्या क्या हुआ, क्या तुझे? दूर रह, क्या हुआ, क्या क्यों फूंक क्यों रहा है तू? दूर रह मुझसे, कितनी गड़बड़ सी तेरी। हेलो जय, जय सीधा सीधा सवाल है जय, अरे तू कितनी गड़बड़ सी तेरी, पता नहीं कोई गिना थोड़ी क्या क्या याद भी कैसे रहेगा तुझे? यू कपड़ों की तरह तू गर्लफ्रेंड चेंज करता था ना, और यू यूज करके डस्टबिन में फेंक दे। अपनी लिमिट में रह, क्या बात कर रहा है तू? तू मेरा दोस्त नहीं है, जानता नहीं है मुझे, मैं कैसा हूं? तू पागल हो गया क्या? हाँ मैं पागल हो गया हूं। अरे शर्म आती है तुझे अपना दोस्त बोलते हुए, और मार ना ले, मार मार अरे मार रहा है भाई, क्या कर जे? हेलो जे, पागल मैं नहीं, पागल तू है, तू पागल हो गया क्या? और ये बातें ना गोल गोल करके मत बोल, जो बोलना साफ साफ बोलना है, ना मुझे कोई तेरी ऐसी कोई बात सुननी, ना मेरा कोई मूड है, ना टाइम है, ओके? तू मेरा दोस्त क्या हुआ, क्या तुझे साफ साफ बोल, हुआ क्या तुझे? यान, यान। हेलो जय, जय जल्दी मेरी बात सुनो जय, उस दिन विहान ने करण और रागिनी को बचाने के लिए रूपा आंटी का नाम लिया था, मतलब वो जानता है कि ये सब करण और रागिनी ही कर रहे हैं, और वो मिला हुआ है उनके साथ, लेकिन क्यों और ऐसा क्या हो गया जो वो हमें छोड़कर उन्हें सपोर्ट कर रहा है?
मुझे खुद नहीं समझ आ रहा है ये रिएक्ट कैसे कर रहा है, क्या हुआ क्या इसे? अजय हमें पता लगाना होगा। अजय मुझे लग रहा है कि विहान करण और रागिनी की दुश्मनी का रीजन जानता है, हमें उससे बात करनी होगी। अरे कैसे बात कैसे करें, एकदम नशे में धुतों के पड़ा हुआ है वो। अच्छा तुम टेंशन मत लो, मैं आती हूँ, हम दोनों साथ में मिलकर ट्राई करते हैं, ओके? अच्छा मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि विहान कुछ तो जानता है जो उसे बहुत परेशान कर रहा है। ठीक है ओके कम। ओके बाय। आराम से, आराम से। जे, सब लोग नशे की हालत में ही सच बोलते हैं, विहान से भी इसी कंडीशन में सच बोलवाएंगे। क्या करूं यार? विहान, विहान, जे, विहान उठो। विहान क्यों कर रहे हो तुम ये सब? तुम्हें पता है ना करण और रागिनी गलत कर रहे हैं, फिर क्यों दे रहे हो उनका साथ? विहान मेरे माँ बाप को मत मारो प्लीज प्लीज प्लीज। मैं जय को छोड़ूंगा। अरे पर मैंने क्या किया है? I hate him. No, he's my best friend. I love him. क्या मैंने क्या किया है? मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है ये क्या बोल रहा है। कोई बात नहीं जाए, सोने दो बेचारे को, लेकिन कम से कम ये बात तो पता चल गई कि करण और रागिनी के पास ध्यान के पेरेंट्स हैं और ये मजबूरी में उनका साथ दे रहा है। और मुझे ये भी पता है कि मजबूरी में आके रूपा आंटी का नाम भी लिया होगा उसने। आद्या, मैंने विहान के पेरेंट्स की मिसिंग की कंप्लेंट कर दी है। And I'm sure पुलिस उन्हें बहुत जल्दी ढूंढ लेगी। किससे पूछ के तुमने ये किया? क्या वो मेरे मां बाप को मार डालेंगे? बहुत बड़ी बेवकूफी की है तुमने। अरे यार विहान, वो लोग ऐसा कुछ नहीं करने वाले, तेरे डर का ना वो फायदा उठा रहे हैं। और उनको तेरे से कोई दुश्मनी नहीं, उनका उन्हें मुझसे और आद्या से बदला लेना। दैट्स इट। आद्या से नहीं, सिर्फ तुमसे आ जाए। ट्रस्ट मी, ये सब सिर्फ तेरी वजह से हो रहा है। एंड बाय गॉड जय, अगर तेरी वजह से मेरे मां बाप को कुछ भी हुआ ना, मैंने तुझे छोड़ना नहीं है। अरे यार लुगाई, मगर मैंने किया क्या है यार? मैंने थोड़ी कुछ किया है। तू तो मुझे जानता है, तू तो दोस्त है ना। अरे दोस्त मत बोल मुझे, शर्म आती है तुझे अपना दोस्त बोलते हुए? यार पर मैंने किया क्या, बोल तो सही। हाँ याद भी कैसे रहेगा? अरे भगवान जाने कितनी लड़कियों को ऐसे यूज करके फेंक दिया होगा तूने। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तू ऐसा काम कर सकता है। छी छी है तुझ पर। ध्यान ध्यान बात सुन मेरी। क्या बोल रहा है, क्या कौन सी लड़की? मैंने क्या किया यार? मैंने क्या
और भी है अभी? हाँ मतलब वो सारे नाम याद रखने की कोशिश कर रहा हूँ जो जो मतलब जिन जिन को डेट किया, मतलब जैसे जैसे नेहा एक हफ्ते के लिए शी वाज देयर एंड समायरा के साथ तो एक ही दिन था, रिया 2-3 days एंड ऐश, ऐश को तो तुम जानती हो ना? हाँ तो पता नहीं ये जहान किस लड़की की बात कर रहा है। अरे उसका नाम तो लिखे मतलब ये लड़कियां ये सब तुम्हारी गर्लफ्रेंड रह चुकी? हाँ मतलब हाँ डेट वगैरह था, मतलब ये तो मतलब इसी साल की लिस्ट है, एक ही साल की है। ये क्या ये एक साल की लिस्ट है? हाँ मतलब अगर ये एक साल की लिस्ट है तो अगर हम टोटल काउंट करेंगे तो तुम तो 4 दिन लगा दोगे इसमें। हाँ जब जो जो पास था उसको कुछ मतलब वो भी कर सकते हैं। जो था वो था, मतलब अगर मैं इतने लड़कों को डेट करती तो जान ले लेता मैं तुम्हारी, सोचना भी मत ऐसा। अच्छा जी तुम करो तो हीरो, मैं करो तो क्रिमिनल। बात मत आते, मेरी बात तो समझने की कोशिश करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे देखो जब से तुम मेरी लाइफ में आई है ना, मैंने तब से कोई लड़की कोई किसी को डेट नहीं किया। मैं तुमसे ज्यादा जानती हूँ, मैं जब तुम मेरे दुश्मन भी थे ना तब भी मुझे इतना तो यकीन था तुम पे कि तुम कभी किसी लड़की का बुरा नहीं कर सकते। पर जय मुझे पूरा यकीन है, ये भी जो कुछ भी हो रहा है ना ये सब गलत फहमी, ये गलत फहमी को दूर करने के लिए ना हमें इस लड़की को ढूंढना होगा। हेलो दिया, दिया तू रो क्यों रही है? हाँ ठीक है दिया, तो ठीक है हेलो हेलो दिया, जे दिया दिया बहुत घबराई हुई है, ये सब हैंडल करना। मैं काम करता हूँ, मैं पीके और दिया को यहाँ लेकर आता हूँ। ओके For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.